टू रोहिणी स्कूल। आज हम बनाएंगे मूंग छोले टिक्की। चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो चलिए देखते हैं हमारा मूंग छोले टिक्की के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। ब्रेड क्रम्स, लगभग 10 से 12 ब्रेड को हमने मिक्सर में पीस लिया है, उसका ब्रेड क्रम बना लिया है। बॉइल्ड मूंग है और ये उसी का क्रश है। ये है हमारे छोले, जिसे आप छोले बनाते हो, चिक पीस भी बोला जाता है इसको, इसका भी हमने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन की पेस्ट है, नमक, चाट मसाला, कुटी हुई हरी मिर्च, धनिया और मोज़रेला चीज़। सबसे पहले हम ये जो हमने छोले भिगो के और बॉईल करके रखे थे, लगभग एक कटोरी है उतना हम ले लेंगे। इसमें हम मूंग ऐड करेंगे, ये भी लगभग एक कटोरी है। सबसे ज़्यादा कुछ मसाला नहीं है इसमें, सिर्फ ये ज़्यादा लगने वाला है, हरी मिर्च की कुटी हुई दरदरी पीसी हुई। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट भी हमें थोड़ा ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि आज हम इसमें ऐसे कुछ खास इंग्रेडिएंट्स नहीं डाले, जो रेगुलर है हमारे वही हम लोग ऐड कर रहे हैं। चाट मसाला है, नमक हमेशा के जैसे स्वाद अनुसार, ढेर सारा धनिया जाएगा, लगभग एक कटोरी तक धनिया जा सकता है इसमें। आपको जो भी पसंद है, जितना आपको पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हो। अब हम डालेंगे इसमें ब्रेड क्रम्स, एक, दो, तीन, चार। इसको हम हाथ से ही अच्छे से मिक्स करेंगे पहले, और अगर हमें ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हम और ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे, अदरवाइज ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी कंसिस्टेंसी, इसकी अगर टिक्की अच्छे से बन जाए तो हमें और ब्रेड क्रम्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हमारा ये मिक्सर रेडी हो गया है, और इसमें हम लगभग 2 टीस्पून पानी डालेंगे, ताकि ये बैटर अगर ड्राई हो गया है तो अच्छे से वेट होके इसकी हम टिक्की बना सकें। अब हम आपके हाथ में आ जाए इतना हम गोला ले लेंगे और इसकी टिक्की बनाएंगे। सबसे पहले हम इन टिक्कियों को इस तरीके से फ्लैट कर लेंगे, थोड़ा हल्का सा शेप देना है उसको, और हमने जो मोज़रेला चीज़ लिया था इसको हम अंदर स्टफ करेंगे, थोड़ा दबा के अच्छे से। वैसे ये मूंग और छोले खा खा के लॉकडाउन में मैं तो बहुत बोर हो गई थी, तो क्या किया जाए, इसके लिए ये रेसिपी एकदम बढ़िया सी, जो आपके बच्चों को भी पसंद आएगी। थोड़ा सोक करना पड़ता है, लेकिन रेसिपी बहुत अच्छी। थोड़ा सा हल्का शेप देना है इसको, मोज़रेला चीज़ गए अंदर, और ये हमारी टिक्की हो रही है बंद। टिक्की का शेप देना है इसको अच्छे से, थोड़ा थिकनेस जो है इसका ये आप थोड़ा सा ज़्यादा रखिए, लगभग 1/2 इंच इतना थिकनेस, ताकि जब हम इसको तवे पे सेकें या हम इसको तल लेंगे तो चीज़ अंदर बराबर सेफ रहेगा। इस तरीके से ये हमारी तीसरी टिक्की रेडी हो रही है। वैसे भी चीज़ बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो ये एक प्रॉपर हेल्दी प्रोटीन युक्त नाश्ता उनके लिए रेडी है।
हो गया सेफ और ये टिक्की रेडी। इसी तरीके से हम सारे टिक्कीज बना लेंगे। तो अब हम इन टिक्कियों को ब्रेड क्रम में अच्छे से भिगो लेंगे, उनको डिप कर लेंगे। अगर कुछ ज़्यादा ब्रेड क्रम है तो उसको निकाल भी देंगे इस तरीके से। मुझे डीप फ्राई ज़्यादा पसंद नहीं है, इसके लिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उसको डाल दूँ और शैलो फ्राई करूँ। तो इस रेसिपी को हम शैलो फ्राई ही करने वाले हैं आज। तो हमने ऑयल डालकर पैन को थोड़ा सा गर्म कर लिया है और हम गैस को धीमा करेंगे और टिक्की को हमारे डालेंगे तेल में ताकि ये अच्छे से पक जाए, उन पे बहुत बढ़िया ऐसे कलर आ जाए। ये बढ़िया सा एक हेल्दी नाश्ता भी है ये, क्योंकि इसमें मूंग है, चना है, तो ये हेल्दी नाश्ता भी हमारा हो जाएगा। और इसको अच्छे से हम तेल में शैलो फ्राई कर लेंगे। तो अब हम इसको अच्छे से शैलो फ्राई कर लेंगे और एक साइड से पकने के बाद इसको हम दूसरी साइड में पकने के लिए रख देंगे। वाह, देखिए कितना बढ़िया कलर आया है हमारे टिक्कियों का। ब्यूटीफुल, एकदम करारी क्रिस्प रेडी हो जाएंगी ये। अब हम इन टिक्कियों को निकाल लेंगे। देखिए वाह कितना बढ़िया कलर आया, देख सकते हैं बहुत ही गोल्डन और सुंदर ऐसे लग रही हैं टिक्कियां हमारी। ये देखिए, अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो आप इसमें दूसरा जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप इसमें स्टफ़ कर सकते हो। अगर चना नहीं है, मूंग नहीं है, इसके जगह भी आप दूसरा कोई भी स्प्राउट आप ले सकते हो, इसमें भर सकते हो। ये देखिए वाव। अब बारी आती है हमारे टिक्कियों को सर्व करने की। एकदम सी बढ़िया सी टिक्की, हमने जो इसमें चीज़ डाला था गरम करने के बाद वो अच्छे से मेल्ट हो जाता है। और मैं आपको एक टिक्की निकाल के दिखाऊंगी कि ये कितनी बढ़िया से मेल्ट हो गई है चीज़। थोड़ा सा चाट मसाला, सर्विंग के लिए टोमेटो केचप। और ऊपर से चीज, ब्यूटीफुल। जब खाना दिखने में भी अच्छा लगे तो खाने में तो अच्छा लगता ही है। ये देखिए, ये टिक्की मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखिए वाव ब्यूटीफुल यम्मी। तो रेडी है हमारा मूंग छोले टिक्की। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने कमेंट्स बॉक्स में शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में।